पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, यहाँ मौसम जाड़ों का। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत चाय के साथ। और आज मौसम की बात की जाए तो मौसम रात से बारिश हो रही है, तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ही आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं पहाड़ी अजय स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप बैकग्राउंड से देख सकते हैं कि हल्की बारिश हो रही है और सामने कोहरा लगा हुआ है, और सामने जो पहाड़ है उस पे थोड़ा सा बर्फबारी हो चुकी है। तो अभी थोड़ी देर में जो जो कोहरा है वो साफ़ हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी बर्फबारी हुई है हमारे जो सामने वाले जो पहाड़ हैं, ब्योंकी का क्षेत्र जो है, ब्योंकी तो कालीशिला तो बर्फ़ पड़ गई है, यहाँ से दिख रही है। थोड़ी देर में मौसम थोड़ा साफ़ हो जाएगा, कोहरा जो है साफ़ हो जाएगा, तो वो बर्फ़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी किस प्रकार का हो रहा है इस मेरे चारों ओर का जो मौसम और हल्की सी जो बर्फ़बारी, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए? हाँ। कितनी हो रही ठंड? ठंड बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ अपने जहाँ पे मेरा हमारा आग वाला किचन है, तो वहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, तो मैं चुपके से चले जाता हूँ कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब उठ के किचन में चले जाते हैं आजकल सुबह और आराम से बैठे होंगे, आग सेक रहे होंगे। तो चलता हूँ मैं किचन में। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह का 8 बज रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि अंधेरा जैसा, तो मौसम आज बारिश का है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर रात होगी। तो टाइम 8 बज गया है, तो मैं अभी अपने किचन में है और धुआं हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये हमारे बछड़े के लिए बन रही है, उसके लिए पौष्टिक आहार मंडुए का हलवा। तो जैसे हम लोग रोटी खाते हैं उसी प्रकार अभी वो छोटा बछड़ा है, तो उसको हम मंडुए का जो आटा है उसको देते हैं भिगा के और उबाल के। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से बनाते हैं। आज तो मुझे लगता नहीं है कि मौसम जो बारिश का है वो रुकेगी, क्योंकि ये बारिश रुकने वाली नहीं है। हल्की जो बारिश है ये कभी बहुत कम रुकती है, क्योंकि ऐसी बारिश रुकना बड़ा मुश्किल है। और तो आज मेरे जो काम हैं वो घर ही में होंगे, तो मैं घर की जो लाइफ स्टाइल है वो दिखाऊँगा आज। बज गया है और अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता मैं बहुत लेट से कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि इतने लेट में नाश्ता कर रहा है। तो सुबह चाय भी फिर मैं चूल्हे पे बैठे रहे आराम से, तो सभी लोगों ने आज लेट से किया, क्योंकि कहीं बाहर तो गई नहीं और घर ही में बैठे थे, तो आराम से बनाया। तो आज मैं नाश्ते में कर रहा हूँ रोटी, और उसके साथ क्या खा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अपने चूल्हे में बैठा हूँ और आगे आग जल रही है, और मैंने लिया है थोड़ा सा मक्खन। तो मम्मी ने आज छाछ बनाए, छाछ बोले तो मट्ठा, तो मैंने कहा मैं आज सब्जी में नहीं खा रहा हूँ, मुझे दो मक्खन में। तो क्या बात है, तो इसके साथ थोड़ा नमक भी लूँगा और मक्खन और चाय, तो आज इसी में नाश्ता चलेगा मेरा। बारिश बंद हो गई है, हल्की सी लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बर्फ़ नीचे आएगी, क्योंकि जो सामने वाले पहाड़ हैं वहीं तक बर्फ़ आई है। और ये सामने वाले क्षेत्र में दिखाता हूँ, इनके 12:30 हो गया है। आज हम खाने में क्या बना रहे हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या बना रहे हैं हम। तो चलते हैं फिर किचन में। चलिए फिर, तो मैं अपने किचन में आ गया हूँ, यहाँ पे धुआं भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आज हम बना रहे हैं चूल्हे में अपने जो पहाड़ी चूल्हा है लकड़ी वाला, तो उसी से बनाएंगे, क्योंकि आराम से यहीं पे बैठे थे तो गैस भी क्यों खर्च करनी है, तो यहीं बैठ के आग भी सेक लेंगे और खाना भी बन जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं पालक का साग, जिसको हम कफली भी और धीपली भी बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं तो बताता हूँ मैं।
को हमने किस प्रकार बनाया है तो मैं बताता हूँ। तो इसको हमने पहले तेल डाला, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, और जिसके यहाँ जीरा नहीं है तो वो घर का जो सरसों भी डाल सकता है। तो उसके बाद हमने इसको सब्जी की तरह पकाया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बेसन डाला। तो उस और अब देख लोगे आप इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत जितने मात्रा में आप लोग खाने वाले हैं तो वो पानी डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे अब लहसुन, लहसुन के साथ चोरा भी डालेंगे, जिसको हम अपने लैंग्वेज में चोरू बोलते हैं। तो इसका जो स्वाद है बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है इसको डाल के। तो थोड़ी देर में ये थोड़ा उबलने देंगे इसको, और थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। तो फाइनली तैयार हो गई है जो हम कफली और धेपली बना रहे थे, तो ये तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं आप। और अब खाना खाते हैं गरम गरम, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो खाना परोस दिया है थाली में, मैंने मट्ठा भी लिया है और पालक का साग और सुबह की सब्जी थी वो भी ली, और ये मिर्ची भी ली, ये देख सकते हैं। तो अभी शाम का 5 बज रहा है और मैं अपने छत में आ रखा हूँ। और मौसम की बात की जाए तो सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि मौसम आज बिल्कुल बारिश नहीं रुकेगी, परंतु अभी बिल्कुल साफ तो नहीं हुआ है। आसमान में कहीं कहीं तो बादल हैं और कहीं कहीं बिल्कुल आसमान बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है। तो सामने अब जो पहाड़ हैं वो साफ दिख रहे हैं कि कितनी बर्फ़बारी हुई है। सामने जो चौमासी गांव के ऊपर जो पहाड़ है, चौमासी तो पक्का बर्फ़ पड़ी होगी क्योंकि मैं नहीं गया हूं तो मैं होगी ही बोलूँगा। और ऊपर कोटमा के ऊपर भी बर्फ़ पड़ चुकी है, और सामने जो जागधार है उसके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और कालीशिला की बात की जाए तो कालीशिला में भी बर्फ़ पड़ चुकी है। तो मैं आप लोगों को एक बार वहां के नज़ारे दिखाता हूं, और शुरू करता हूं कालीशिला से। तो ये देख सकते हैं ये कालीशिला का टॉप है, और यहाँ से हम आए नीचे, ये ब्यूखी गांव है। और सामने यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, ये है चौमासी से ऊपर, और ये इधर आए, और सामने ये जागधार के ऊपर जो पहाड़ है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बर्फ़बारी हुई है। तो अभी मौसम आप देख सकते हैं, आसमान कहीं ये यहाँ पे तो बादल हैं और यहाँ कहीं कहीं पे आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है। अभी शाम का 5:30 हो रहा है, और बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इस जंगल में। तो मेरे जो बड़े भाई हैं सचिदानंद सहवाल जी, जिनकी गाड़ी से मैं कल कोटमा गया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो मैं अभी जा रहा हूँ उनके यहाँ, कुछ काम है। तो ये हमारे जो गांव है कुणजेठी, ये थोड़ा अलग रहते हैं ऊपर गांव में। तो फाइनली मैं सहमाल जी के घर में आ गया हूँ, और यहाँ पे थोड़ा जो डिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम थी तो वो सही हो गया। थोड़ा आजकल क्या है, मौसम ख़राब हो जाता है तो डिक्स वगैरह थोड़ा सिग्नल वगैरह कम आ जाता है। तो सहमाल जी ने बोला कि थोड़ा इसको ठीक करने, घूम गया होगा या हवा वगैरह से।